हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। तो फाइनली फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि मेरे गांव में दो बंदर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटल हो चुके हैं, और जो भी बच्चा स्टूडेंट आदमी है जो इसको काट रहा है लो, लगभग ये 2-3 महीने से काट रहा है लो, काफ़ी लोगों को काट चुका है लो, और फिर कल ही दो आदमी काटा। तो आज जो कि गाँव के सारे पब्लिक एग्जिट हुए और वन विभाग को कॉल किए, और वहाँ से टीम जो आया, रेस्क्यू टीम जो होता है, और उसको आज पकड़ेगा। तो गांव में चलते हैं और जहां बंदर है उसको कैसे पकड़ता है लो और कैसे उसको ले जाता है लो, तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाते हैं आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, और एक बंदर पकड़ा गया अभी, और यही बंदर है जो बहुत ज्यादा काट रहा था हमारे गांव में। तो अभी रेस्क्यू टीम का जो आदमी है वो पकड़ गया है, और अभी एक और यहाँ पे, तो देख सकते हैं इस साइड में अभी एक और है, तो अभी इसको पकड़ लिया गया है कुछ इस प्रकार से, सब देख सकते हैं। और सारे हमारे गांव के टीम, गांव के लोग पूरा यहाँ पे अभी, तो देख सकते हैं आप किस तरह से इसको पकड़ने के लिए उपाय किया जा रहा है वन विभाग का टीम, जो कि इस प्रकार से कुछ जी। और यही है जो काट रहा है बंदर, और कुछ हमारे वन विभाग के टीम यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग। ठीक है ठीक है, पकड़ा जाने लगे। ये देखिए फंस गया। दाब दाब के दाब दे रहा बहुत के ना इन नाम बता, सुपर स्टार नाला, सुपर स्टार का नाम बा सर, ऑटो चल और ये पूरे गांव के लोग यहां पे एग्जिट हो चुके हैं, जो दोनों बंदर था पकड़ा चुका है सावधानी पूर्वक। हम यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं पब्लिक बहुत ज्यादा है, और मनुजा हमारे
कुछ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा कुछ? तो चलिए दिखाते हैं आगे। तो ये बोरा में आ चुका बंदर है, और रात में जो ये लगाया गया था फंसाने के लिए, इसमें कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड हम वहाँ से आ चुके हैं, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।